सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करूं? कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या भेद पढ़ करे हंकारा, अंतकाल मुख फांके छारा। दुखित सुखित होए कुटुंब जेमावे, मरण बार एक सर दुख पावे। कहें कबीरी कलिहे खूंटी, जोर है करवश निकरे टूंटी। राम न रमश कौन दंड लागा, मर जेबे का करीबे अभागा। बिल्कुल शांति बना ले, साइलेंट हो जाए, कोई बात ना करें, चुपचाप हो जाए और सीधे बैठ जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसके पास में पूर्व जन्म के बहुत पाप होते हैं, उस जीव का मन सत्संग में नहीं लगता, उसका मन कुसंग में लगता है। क्योंकि जब कुसंग में वो रुचि लेगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ेगी, बुद्धि बिगड़ेगी तो कर्म बिगड़ेंगे, कर्म बिगड़ेंगे तो भाग्य बिगड़ेगा, भाग्य बिगड़ेगा तो दुख मिलेगा, और दुख मिलेगा तो उसने जो पाप कर्म किया है उसका फल मिलेगा उसको। इसलिए पापी को सत्संग कभी रुचता नहीं है। और पुण्यवान आत्माएं सत्संग को दूर तक ढूंढती है, और यहां सैकड़ों गांव से श्रोता भी। धन्य है सुनोखर, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है ये सत्संग की कमेटी, धन्य है दानी लोग जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, जिसमें दसों हजार लोगों ने आकर के डुबकी लगा करके अपने जीवन की प्रसन्नता को प्राप्त किया है। ये रुचि सत्संग में, और कबीर साहब कहते हैं मृत्यु के पश्चात, हे अभागे इंसान, उस समय न भक्ति कर पाओगे, न कुछ दान पुण्य कर पाओगे, और न तो किसी की सेवा कर पाओगे। मनुष्य के शरीर की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, सामान्य रूप से 10 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था है, और सामान्य रूप में फिर गर्भावस्था भी है, जन्मावस्था और पौगंडावस्था, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, और फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था, फिर मरण अवस्था। ये अवस्था आती है। जो बाल अवस्था है, ये बालपन, ये बचपन, ये छोटी उम्र, ये बारी उम्र, ये बड़ी प्यारी उम्र है। बाल अवस्था ऐसे है जैसे कोमल मिट्टी होती है, और कोमल मिट्टी से कुंभकार चाहे घड़ा बना दे, कुल्हड़ बना दे, प्याली बना दे, मूर्ति बना दे, जो बना दे, जिस आकार में ढाल दे उस आकार में वो ढल जाता है। लेकिन वही मिट्टी जब कड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो किसी आकार में ढलना नहीं चाहती है। युवावस्था ऐसे है जैसे कठोर मिट्टी की अवस्था है, और बुढ़ापा जर्जर अवस्था ऐसे है जैसे टूटी फूटी मिट्टी के टुकड़ों की अवस्था है। इसलिए बाल अवस्था में जो भी तुम सीख लोगे, समझ लोगे, ध्यान दोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे,
और संस्कार प्राप्त करोगे, वो संस्कार तुम्हारे जीवन भर तुमको प्रभावित करेंगे। इसलिए बाल अवस्था से ही सभी अवस्थाओं की व्यवस्था बनती है, इसलिए बाल अवस्था को संभल कर जीना चाहिए। जिनकी बाल अवस्था बिगड़ गई उनकी जवानी बिगड़ने में देर नहीं लगती है, और जिनकी जवानी बिगड़ गई उनका बुढ़ापा दुख में गिरने से देर नहीं लगती है, और जो बुढ़ापे में चूक गए उनकी मृत्यु भी डिस्टर्ब होती है, जो मरते समय चूक गए उनका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। इसलिए बाल अवस्था को संभालिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, अब बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी हो, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का बहुत सुंदर मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन अज्ञान दशा है, बालपन अनजान दशा है, बाल अवस्था उस समय उतना ज्ञान नहीं होता है, गलती हो जाती है। तुलसीदास से गलती हुई थी, सूरदास से गलती हुई थी, बाल अवस्था की आंधी। और जब तक तुम्हें अज्ञान रहे तब तक समझ लो तुम्हारा बचपन ही है, और बचपन में भी ज्ञान हो जाए तो समझो तुम जवान हो चुके हो, और यदि बुढ़ापे में भी ज्ञान नहीं है तो शरीर जरूर बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, लेकिन आपका जीवन बचकाना है। इसलिए याद रखना, धनवान भी बड़ा होता है, रिश्ते में जो बड़ा हो भी बड़ा होता है, उम्र में जो बड़ा हो भी बड़ा होता है, पद में जो बड़ा है वो भी बड़ा होता है, लेकिन सब बड़ा में से वो बड़ा होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है, और ज्ञान में जो बड़ा होता है उसका आचरण बड़ा होता है, इसलिए वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसके चरण छूने को मिल जाए तो अपना आचरण भी बदलना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सीतापुर जिला, माँ सीता के नाम से उस जिले का नाम है, और उस सीतापुर जिले में एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। क्या नाम है? नैमिषारण्य तीर्थ। बड़ी अद्भुत बात है नैमिषारण्य तीर्थ की, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था, ऐसा शास्त्र प्रमाण है, पुराणों में कथा लिखी है, और वहां चक्रकुंड भी है जिसमें स्नान करते हैं लोग, जहां पर दधीश ऋषि ने अपनी हड्डियों का वज्र बनवाया था। दधीश का नाम सुना हो, वही स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। तो नैमिषारण्य तीर्थ का आख्यान में पुराण में पढ़ रहा था, ऐसे तो मेरी जन्मभूमि के पास है, वही 88,000 ऋषि मुनियों के तपस्थली ही मेरी जन्मभूमि है वहां। अब उसी में से एक ऋषि मुनि की आत्मा हम भी फिर से जन्म लिए होंगे ऐसा लगता है, ये जितने संत बने बैठे हैं ये पूर्व जन्म में भी
कुछ साधना कुछ तपस्या करके फिर से जन्म लेकर संत हो गए। और तुम जो तपस्या कर रहे हो ना, तुम्हारी आत्मा भी एक दिन संत का रूप धारण करेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 8 जन्म लग जाएंगे, रगड़ी मारोगे तो आ जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम उधर ही बैठे रहोगे, तुम इस चोला में भी आओगे। हाँ, और जब तुम इस चोला में आओगे तब तक हम सब मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा, फिर हमारा जो कार्य है वो तुम करोगे आकर के, और तुम सबको ज्ञान दोगे, सत्संग सुनाओगे, ऐसा होगा। तो 88,000 ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी, ज्ञान चर्चा का विचार विमर्श की गोष्ठी चल रही थी। और उस गोष्ठी में मुख्य श्रोता सौनक जी थे और मुख्य वक्ता सूत जी थे। सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे, और बाकी पारी पारी से जिस ऋषि मुनि का नंबर आता था वो भी थोड़ा कुछ सुनाता था। तो सूत जी जब आते थे तो 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर के उनका रिस्पेक्ट। ऋषियों ने कहा कि जो धन में बड़ा होता है उसे भी बड़ा माना जाता है, और जो पद में बड़ा है उससे बड़ा उसको माना जाता है। जैसे अभी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, साधु तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग उनके सम्मान के लिए दौड़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उधर हेलीकॉप्टर उतरेगा, मैं रोकता ही रहूंगा, तुम सब भाग जाओगे, उधर जाओगे और जय हो मैं कहूंगा कुछ मत बोलो तो फिर भी तुम बोलोगे मोदी मोदी और ये वो। ऐसा मैंने देखा, क्योंकि वो पद में बहुत बड़ा है। अभी नीतीश कुमार आ जाए तो भी भागोगे, और तुम भी तो भागोगी ही खैर, लेकिन संत लोग भी उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे कि आइए 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 आइए, मान्यवर आपका स्वागत हो। तो पद में जो बड़ा होता है, जैसे कोई सरपंच है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, मुखिया है उसका सम्मान करना चाहिए, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, विधायक, सांसद, डॉक्टर, वकील, जज, सम्मान रखना चाहिए, तहसीलदार, डीएम, कलेक्टर, एसपी, क्योंकि पद भी बड़ी मशक्कत के बाद मिलता है। पद कोई ऐसा नहीं छीना झपटी से मिल जाए, जिसके पास प्रभाव है, स्वभाव है, भाव है, उसको कोई न कोई जनता पद दे देती है। अभी मैंने सुना कि ये शिव सिंह मुखिया है और इस गांव में रहता, यहाँ का नहीं, वो दूसरे पड़ोस तिलौंधा का मुखिया है। अब वहाँ भी उसका प्रेम ऐसा, प्रभाव ऐसा कि वहाँ के लोगों ने भी उसको मुखिया बना दिया है। अभी भारत देश का एक आदमी बयाना देश में राज्यपाल था, कोई हमारे भारत देश का उपराष्ट्रपति है विदेश में। आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका कर्म देश विदेश की सीमाओं को तोड़ देता है, प्रदेश की सीमा को तोड़ता है, जिले की सीमा को तोड़ता है, क्योंकि सकर किसी प्रदेश की बनी हो, किसी देश की बनी हो, विदेश की बनी हो, आकाश की बनी हो, खेत में बनी हो, लेकिन शकर हर आदमी 40 रुपए किलो ले लेता है और चाय में डाल करके पीता है। शकर कहीं की हो तुम पूछते नहीं हो किस देश की है, उसको तुम प्रयोग कर लेते हो। ऐसे महान संत कहीं का हो तुम ये नहीं देखते हो इसका आश्रम कहाँ कहाँ क्या है, तुम उसको स्वीकार करके उसके ज्ञान का प्रयोग कर लेते हो और अपना जीवन सफल बनाते हो। इसमें बहुत सारे लोग मुझसे पूछते नहीं तुम रहते कहाँ हो। मैंने एक आदमी से पूछा, ये तो पूछो हम कहाँ से आए। बोले कहाँ से आए उससे कोई मतलब नहीं हमको, टमाटर किस खेत का है, किस पेड़ में लगा था, इससे मतलब नहीं, टमाटर टॉप का है, हमको 1 किलो लेना है, बात खत्म।
तो ये मनुष्य अगर अपनी प्रतिभा का विकास करे तो विदेश में भी उसका वर्चस्व होगा, देश में भी उसका प्रभाव होगा और घर में तो होगा ही। और ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर विशेष गुणों का जन्म होता है। याद रखना, विशेष गुणों का जन्म। अयोध्या में राम का सम्मान था और जंगल में उनको कोई जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था, लेकिन राम के गुणों ने वनवास में जाकर के भी इतना प्रभाव डाला कि रीछ भालू बंदर भी उनको भगवान मानकर सेवा करने लग गए, उनके भक्त बन गए। और जंगल में जाकर के सीता हरण हुआ और सीता हरण में भगवान राम के पास सेना नहीं थी, अयोध्या से सहयोग नहीं मांगा कि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी अयोध्या से मदद मांगूं, अगर वनवास है तो वन के अंदर ही मेरी कोई आस है और वन में ही प्रयास है और वन में मेरा कोई खास है, मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। और वहीं पर सेना तैयार हुई और रावण जैसे बलशाली को जीत करके लंका पर विजय प्राप्त किया। मुझे बड़ी मजे की बात ये याद आती है कि आजकल का आदमी भी शांति से नहीं बैठता है और राम के साथ में रीछ भालू बंदर भी शांति से बैठते थे। बड़ा डिसिप्लिन तगड़ा था उनका, अनुशासन बहुत अच्छा था। वो बंदर सब चुपचाप, अभी हमारे यहाँ भी बंदर आए हैं, जहाँ मेरा निवास है मंदिर पर बंदर, तो रात में 12 बजे वो छत पे कूद रहे थे, मेरी छत पर, साधुओं की छत पर कूद कूद कर कह रहे थे, तुम सब अंदर सोए हो, हम बंदर हैं तो क्या बाहर रहेंगे, खोलो दरवाजा अंदर आएंगे। एक घंटे कूद फांद मचाई, तो मैं तो न दरवाजा खोला, बंदरों के डर से खिड़की भी बंद रखा कि उसमें से बंदर होशियार होता अपने बच्चे को अंदर कर देगा और कहेगा अंदर से तू जो है निकाल के बाहर दे, बड़ा बंदर बाहर ले लेगा, सब सामान निकाल लेगा और फिर वो छोटा बंदर टांग में काट लेगा। तो बंदर कंट्रोल कहाँ होता है, लेकिन राम में कोई प्रभाव था जो बंदर सब कंट्रोल में थे। और ये मेरे विवेक से ऐसा लगता है कि बंदर का अर्थ होता जो वन के अंदर रहता था उसको बंदर कहते थे, बाकी बंदर कोई बंदर का रूप, ये तो फोटो में कार्टून में चित्र में बना दिया, पूंछ लगा दिया और गाल बना दिया बंदर जैसा हनुमान जी का, हनुमान जी बंदर नहीं थे, लेकिन वन के अंदर रहने वाले लोगों के मुखिया थे हनुमान जी भी, बानर यूथ मुख्यम, बानरों के मुखिया थे, जैसे यहाँ पर मुखिया होते, हमारे प्रदेश में मुखिया नहीं होता है, अभी तक हम मुखिया का अर्थ ही नहीं समझ पाए मुखिया है क्या, लेकिन लोग बोलते मुखिया तो मैं कहता हाँ कुछ तो होगा ही मुखिया। मैं समझता नहीं उसको उस प्रदेश में क्या बोलते हैं। तो पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। संबंधम वृद्धा, संबंध माने रिश्ता, जो रिश्ते में बड़ा है, जैसे तुम्हारी सासू है, ससुर है, पिताजी है, माँ है, ये सब आपसे रिश्ते में बड़े हैं, दादाजी है, दादी जी है, रिश्ते में बड़े हैं, इनको भी बड़ा मानना चाहिए और इनको प्रणाम करना चाहिए। मैं करौली जिले में प्रवचन कर रहा था राजस्थान में, तो एक MBBS डॉक्टर के यहाँ गया, वो सरकारी डॉक्टर था, उसके यहाँ गया तो उसका नौजवान लड़का खड़ा था, वो भी MBBS था, MBBS MD करके आया था। तो डॉक्टर से मेरा कोई सत्संग हो रहा था, तो उस लड़के को मैंने इशारा दिया कुर्सी खाली है आइए बैठ जाइए। तो उस लड़के ने मेरे को क्या कहा, ऐसे हाथ जोड़ा और फिर कहा, तो मैंने दोबारा फिर सोचा MBBS है MD है बिठा देता हूँ, तो फिर मैंने दोबारा रिपीट किया कि आइए बैठिए। तो लड़का बोला, गुरुदेव मेरे पिताजी के सामने मैं बराबर कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ क्योंकि मेरा बाप रिश्ते में बड़ा है, लोग कहते हैं क्या तेरा बाप है ये, तो वास्तव में मेरा बाप है ये, मेरी डिग्री बड़ी है लेकिन मेरा बाप जिसने मुझे जन्म दिया उसके सामने हम बैठते नहीं, सेवा करते हैं। माँ बाप का भी सम्मान करना, आजकल तो लोगों के पास में सभ्यता संस्कृति सब समाप्त हो गई,
बाप जमीन में बैठा है, बेटा घाट पर बैठा है। बाप गोबर ढो रहा है, बेटा ताश खेल रहा है। बाप चारा मशीन खींच रहा है, बेटा गप्पा मार रहा है। अरे थोड़ा शर्मिंदा हो जाओ, ये बूढ़े बाप की हड्डियों से ऐसा काम मत करवाइए। ये बूढ़ी हड्डियां, ये कमजोर शरीर, ये खाल की झुर्रियां काम करते करते अब 70 साल की उम्र में थक चुकी हैं, इनसे हल्का काम लीजिए। हे जवान बेटों, जवान बेटियों, जवान पतोहु, ताल ठोक करके घर के सारे कार्य संभाल लीजिए और माता पिता सास ससुर को शांति दीजिए। सम्मान करो जो आपसे रिश्ते में बड़े हैं, सासू का भी सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान करो और जो गुरु के योग्य हैं उनका भी सम्मान। नेपाल के एक संत श्री आज्ञा साहब थे, मेरे गुरु के बड़े गुरु भाई थे। तो मेरे गुरु ने आज्ञा दिया कि इनके साथ जाओ और नेपाल में इनको थोड़ा सा भ्रमण कराओ। मैंने कहा ये तो खुद ही नेपाल के हैं, मैं तो नेपाल बॉर्डर का हूँ, इनको मैं कराऊं? अरे बोले कमजोर हैं, तुम गाड़ी में बिठा कर इनको घुमाओ। तो फिर मैं ले गया, आदेश हो गया। सुबह सुबह उनको एकांत बिठाने ले जाता था और उनके बिस्तर की व्यवस्था, तो हमारे पास तो सिस्टम था, सेटिंग कर दिया, हो गया। तो मैं जब उनके कमरे में जाता था तो मेरे से कहते थे आओ असंग साहेब, यहाँ बैठो आओ। मैंने कहा साहेब आपके साथ आपके बेड पर हम नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? हमने कहा इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि आप मेरे गुरु जी भी आपको बड़ा मानते हैं, तो हम अलग बैठेंगे। बोले ठीक है, तुम हमारे आश्रम पर रहो और उसको मैं तुमको दे दूं। मैंने कहा साहेब मैं आश्रम नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लोगे? तो हमने कहा इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हमको पूरे देश विदेश में सत्संग करना है, आश्रम संभालना बहुत कठिन होगा, कोई संत लोग संभालने वाले हो तो ले ले। और फिर काठमांडू में ठंडी बहुत है, तो उन्होंने कहा हम तुमको कजा काजू बादाम छुहारा खिला देंगे, ठंडी नहीं लगे। हमने कहा गुरुदेव बहुत बादाम छुहारा भी खाने की इच्छा नहीं है क्योंकि ज्यादा एडिशनल एनर्जी बॉडी में एंट्री होगी तो डिस्टर्ब करेगी, ब्रह्मचर्य को भी डिस्टर्ब करेगी और ज्यादा दिमाग में क्रोध भी आएगा। ज्यादा गर्म चीजें मत खाया करो, इससे गुस्सा बढ़ती है क्योंकि शरीर तत्वों से बना हुआ है। मिर्चा ज्यादा खाओगे गुस्सा ज्यादा आएगी और ज्यादा तला भुना खाओगे तो भी क्रोध बहुत आएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी कभी रूखा सूखा भी खा लिया करो, रूखा सूखा। गुजरात में हम गए तो वहां देखा एक भक्त बैठा हुआ मोटी रोटी और नमक और धनिया की चटनी मिला करके खा रहा था। हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था किया, वो बैठा खा रहा था। तो मैं सीढ़ी उतर रहा था, मैंने पूछा नाटू भाई ऐसा रूखा सूखा खाते हो? बोले हफ्ते में 6 दिन रूखा सूखा खाता हूँ और हफ्ते में 1 दिन गुजराती भोजन पूरा माल छकता हूँ, 6 दिन रूखा सूखा खाता हूँ। रूखा सूखा साधारण भोजन खाने का भी अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस। और याद रखना जिसको साधारण भोजन करते हो वो शरीर को सबसे ज्यादा सूट करता है और जिसको बहुत स्टैंडर्ड भोजन करते हो वो तुम्हारे पाचन तंत्र को बिगाड़ने में मदद करता है, इसलिए थोड़ा रूखा सूखा खा लो। कभी भोजन बनाने में देर हो जाए तो केवल चावल और सब्जी बना दो, बस बात खत्म। चावल कढ़ी बना दो, बात खत्म। बहुत देर हो गई तो खिचड़ी बना दो, उसी में दाल डाल दो, बस हो गया। उसी में थोड़ा मिर्च मसाला छोंक दिया, खा लिया। ऐसा भी जुगाड़ बना लो। और कभी बासी बच गया हो तो उसको भी गर्म करके खा लो। बासी भोजन खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी महिला वैज्ञानिक ने खोज किया है कि बासी रोटी अगर आज की रोटी कल खा लोगे
तो शुगर नहीं होती है, उसमें ऐसा केमिकल तैयार होता है, ऐसा सिस्टम बनता है उसके अंदर कि आपको शुगर बीमारी नहीं होगी और महिलाओं को आराम भी रहेगी। आज बना दिया, सुबह बनाना नहीं पड़ेगा और तुम बासी खा लोगे, ये मुस्कराती रहेंगी, तो शुगर तुमको भी नहीं होगी, इनको तकलीफ नहीं होगी, दोनों फायदा है। इस बात से महिलाएं खुश हैं और महिलाएं कह रही हैं कि महाराज तुम हर साल आया करो, कुछ ऐसा सिखाओ इनका लफड़ा खत्म हो जाए। और बासी रोटी खा करके मैंने अनुभव किया है, मैं 21 साल की उम्र तक बासी रोटी ही खाया हूं, बासी रोटी और दाल भात सब्जी तो खाया नहीं, ये नहीं खाता था, बासी रोटी उस पर घी और फिर नमक और उसके ऊपर दूसरी रोटी रखता था और काट काट के खा लेते थे और इतना स्वास्थ्य अच्छा रहता था, इतना स्वास्थ्य अच्छा रहता था। अब तो लोग बहुत गरम गरम फुलके खाते हैं ना, फुलके, और फुलके खा करके फिर कहते हैं कुछ पेट फूला हुआ है, अब फुलका खाया तो फूलेगा ही। आज मेरे संत ने रोटी जो मेरे पास भेजी, इतनी तगड़ी रोटी भेजी, बिल्कुल स्कूटर का पहिया मोटी मोटी, मैंने कहा आज क्या पलटा खिला दिया कुछ यार। तो मैंने पूछा आज कौन रोटी बना रहा है, तो बोले हरीश साहब ने बनाई है कि एक ही रोटी में गुरुदेव को बेहोश कर दूंगा। तो मैंने उसकी आधी तोड़ कर ली, हमने कहा जय हो, आधी उनिक दे देना। लेकिन उस मोटी रोटी में जो टेस्ट था वो पतली रोटी में टेस्ट है। कभी कभी रोटी भी बदल बदल खाओ, मोटी खाओ, कड़ी खाओ, बड़ी खाओ, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी भी खाओ, ऐसी रोटी भी खा लो। और कभी कभी भोजन आपको बेस्वाद का भोजन मिल जाए, उस रोज क्या करना, एक गिलास दूध ले लेना, उसमें चावल डाल देना, थोड़ी शक्कर मिला करके भरपेट खा लेना, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा मत करना, पत्नी के ऊपर गुस्सा मत करना, थोड़ा संतोष की रोटियां भी खाया करो, संतोष का भात भी खा लिया करो और संतोष का दूध पी करके मुस्कुरा दिया करो और एक शब्द याद कर लिया करो जो गुजरात में लोग कहा करते हैं, कसु ओंदो नहीं, जो आपके बिहार में कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो कोई से परिवार में छोटी मोटी भूल चूक हो जाए तो ये कह दिया करो कोई बात नहीं और मुस्कुरा दिया करो, ताकि घर में कलह कलेश पैदा ना हो, कलह कलेश। और जिसके घर में कलह कलेश बहुत होता है, जिसके आश्रम में कलह कलेश होता है, बहुत से साधुओं में भी कलह कलेश है। मैंने कई जगह देखा तो साधु साधु भोजन बनाने में लड़ जाता है, कोई साधु देर में आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई कुछ कर रहा, तो साधु नाराज होता है, जो दो साधु बना रहा उसको गुस्सा आती कि खाने वाले 50 लोग बनाने आते नहीं, तो उसमें फिर थोड़ा खटपट होता है, ऐसा बचपन में देखा। अब तो मैंने सारा सब सिस्टमेटिक बना दिया, कोई खटर पटर काम नहीं, सब सेटिंग से है, कौन रोटी बनाएगा, कौन चावल बनाएगा, सब पता है लोगों को। और ऐसे प्यारे संत हमको मिले, मैं तो सोचता हूँ कि ये बड़े दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं हमारे भाग्य में थी इसलिए मिल गई। आज एक संत मेरे पास में आया तो बोला आज मैंने गुरुदेव दाल चावल सब्जी बनाया है। मैंने कहा तुम्हें आता है? बोले आता तो नहीं है पर आज बनाता हूँ तो आ ही जाएगा। हमने कहा तुम छोटे हो? बोले कुछ नहीं गुरुदेव, कल भी मैंने बनाया था, आपको बताया नहीं था, आज भी बनाया हूं। आपके घर में, आपकी जमात में, आपके समाज में, आपके आश्रम में, आपके नेटवर्क में, आपके चैनल में, आपकी पार्टी में जो भी काम होते हैं, छोटे हों, बड़े हों, जैसे हों वैसे हों, लेकिन उन सब कामों को करने का संकल्प होना चाहिए और हंसते हंसते सभी कामों को कीजिए। आपके घर में और पार्टी में कभी कलह कलेश नहीं हो सकता। काम ना करने वाले लोग, आलसी लोग, उनके घर में ज्यादा कलह कलेश होता है। और कले कलेश की दवा है मेहनत कीजिए और मौन रहिए और मुस्कुरा दीजिए। अपने घर में मुस्कराया करो और अपनी वाइफ को देख करके मंद मंद मुस्कराया करो,
लेकिन दूसरे की वाइफ को देख करके कृपया बहुत कम मुस्कराया करो, और यदि आपकी वाइफ साथ में हो तो दूसरी स्त्री की तरफ बिल्कुल मत मुस्कराना, अन्यथा आपके घर में विस्फोट होगा। आपकी वाइफ को डाउट हो जाएगा कि ये चंदूलाल उधर क्यों हंसा, हंसा है यानी फंसा है, तो घर में तांडव खड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ये भी सावधानी रखना। अपनी बूढ़ी मां के पास में बैठ करके खुश होकर के बातें कीजिए, और अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय दीजिए। आपके बच्चे आपके प्रेम के भी भूखे हैं। आपकी पत्नी आपके पास बैठ करके मीठी मीठी बातें करने के लिए भूखी है, उसको थोड़ा समय दीजिए। और पतियों को बड़ा भ्रम है कि रात दिन में भागता रहूं, दौड़ता रहूं, घुड़दौड़ में लगा रहूं और खूब धन कमा दूं और पत्नी को खुश कर दूंगा। पत्नी तुम्हारे घुड़दौड़ से खुश नहीं होगी, अंधी दौड़ से खुश नहीं होगी, भगदड़ से खुश नहीं होगी। पत्नी तब खुश होगी जब उसके पास आधा घंटे बैठ करके मीठी मीठी बातें कर लोगे, तब वो खुश हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है बिना प्रेम के खुश नहीं होता है, और प्रेम इसको मिल जाए तो साधारण साड़ी साधारण पेंट शर्ट पहन करके भी ये खुश हो जाता है। इसलिए कपड़े भले महंगे हो ना हो, लेकिन आपका प्रेम सभी को मिलना चाहिए। जोर से ताली बजाए करो।